सीयूटी 2022 के लिए तैयारी कैसे चल रही है? फॉर्म्स फिल हो गए, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, सिलेबस देख लिया, सारी चीजें कर ली हैं, बट सिर्फ एक चीज बची हुई है, सर प्रिपरेशन कैसे करें? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मयूर उपाध्याय, आई एम योर मेंटर फॉर सीयूईटी। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, सारी चीजें बता दी हैं, बट सर अब प्रिपरेशन तो स्टार्ट करा दो। सो ऑन अ ह्यूज पब्लिक डिमांड वी आर ब्रिंगिंग यू दिस सीयूटी प्रिपरेशन सीरीज, जहां पे हम आपको क्या करवाएंगे, सारे सेक्शंस, सारे डोमेन्स, सारे बच्चों के लिए, कुछ नहीं छूटेगा, सारी चीजें यहीं पर कवर की जाएंगी। सो अभी तक आपको ये सारी चीजें पता लगी गई होंगी कि इन सीयूटी आपको क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, आपको क्या करना है, एक डोमेन का पेपर देना है, एंड ऑल्सो आपको एक जनरल टेस्ट देना है जिसमें यू हैव टू फेस डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, अब लैंग्वेज टेस्ट उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, डोमेन टेस्ट उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, एंड दी जनरल टेस्ट उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, सो इन तीनों डोमेन की, इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं, एंड द सीरीज इट विल रन डेली, डेली ये सीरीज चलेगी, एंड इसका पूरा प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताऊं। ठीक है, ओके, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कल के लिए हम क्या चीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, सो पीछे स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा दैट यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज का नाम दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीरीज का नाम दिख रहा है, उसके साइड में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, एंड उसके बाद टॉपिक कि कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है, फैकल्टी जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो उनका नाम, एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइमिंग भी शो रहा होगा। यस वी आर दैट मच पर्टिकुलर, हम यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ सारी चीजें डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सीरीज जो है वो है हमारी सीयूटी प्रिपरेशन सीरीज, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका सब्जेक्ट। तो जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, लैंग्वेज टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू हैव सबसे पहले आपका लैंग्वेज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड जो हमारा सबसे पहला सेशन कल होगा, इट इज टेस्ट योर ग्रामर, व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ वेरी ओन एंड बहुत ही शानदार इंग्लिश की फैकल्टी है हमारी शास्त्री मैम, तो वो इस सेशन को यहाँ पे कंडक्ट करेंगी, एंड दिस सेशन इट टुक प्लेस एट 12:30 PM। ठीक है, सो टाइमिंग्स पे मैं अभी उतना जोर नहीं दूंगा, आप यहाँ पे मैं सारी चीजें बस बताने वाला हूँ। ठीक है, द सेकेंड इज अकाउंट्स। नाउ अकाउंट्स वाला सेक्शन, उसमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं कौन, हमारे राहुल सर, तो पार्टनरशिप राहुल सर करवाएंगे। उसके बाद द थर्ड इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में स्टार्ट होंगी चीजें विद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे मृदुला मैम स्टार्ट करेंगी। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज केमिस्ट्री, जिसमें स्टार्ट होगा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी विद कंसंट्रेशन, एंड जैसे लेने वाले हैं अनिल सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीजें चलेंगी, एंड आफ्टर दैट ये परसों का एक है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपके जनरल टेस्ट का पार्ट है, वो लेंगे कौन, हमारे वेरी ओन निपुल सर। ठीक है, सो दैट वो आपको परसों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ अब इसको लेके यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आप ये बोलेंगे कि सर आपने जो डोमेन नेम बताया वो डोमेन तो हमारे हैं ही नहीं, पर ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा सर, कोई इशू नहीं है बच्चे, मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो हमारी यहाँ पे कोशिश क्या है, सो हमारी कोशिश यह है कि वीक में आपका कम से कम दो इंग्लिश के सेशन हो जाए। ठीक है, इंग्लिश के दो सेशन हो जाए ताकि आपको इंग्लिश में जो सारी चीजें हैं, जो भी सीयूटी में पूछा जाने वाला है, उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। वीक में दो आपके इंग्लिश के सेशन हो जाए। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है किसका, हमारी डोमेन का। सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने डोमेन के लिए यहाँ पे क्या किया है, हमने डोमेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सो द फर्स्ट पार्ट इज आर कॉमर्स वाला। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा कॉमर्स, सेकंड पार्ट में हमने साइंस को रखा है। ठीक है, सो सेकंड पार्ट इज साइंस, एंड थर्ड पार्ट में हमने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को रखा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहां पे, ओ सॉरी, तो यहाँ पे हमने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, सो अब कॉमर्स में यहाँ पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, सो इन कॉमर्स यू हैव अकाउंट्स, यू हैव बिजनेस स्टडीज। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इको इकोनॉमी, ये भी हमारे कॉमर्स का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कॉमर्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे।
साइंस में, साइंस डोमेन में हमने क्या किया है, साइंस डोमेन में हमने पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं इसको हमने साइंस के अंडर में रखा है, ठीक है। एंड फाइनली द थर्ड वन विच इज ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में हमने क्या किया है, तो जितने भी ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये हमने ह्यूमैनिटीज के अंडर में रखे हैं, ठीक है। नाउ अब चीजें प्रोसीड कैसे करेंगी वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। लेट्स से अकाउंट्स, केमिस्ट्री, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने पहला जो चंक बनाया है, हमने पहला जो ग्रुप बनाया, वो हमने पहला ग्रुप बनाया किसका, हमने ग्रुप बनाया किसका, हमारे अकाउंट्स का, ठीक है। उसके बाद हमने केमिस्ट्री का एक, साइंस से हमने केमिस्ट्री को ले लिया, एंड ह्यूमैनिटी से हमने साइकोलॉजी को ले लिया, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, अकाउंट्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी जो कि कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, इनको जो हमारी फैकल्टीज है, जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वो क्या करेंगी, इन 10 सेशंस खत्म करेंगी, ठीक है। अच्छा, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो सेशन का नंबर है इट मे वैरी, वो कम भी हो सकते हैं, एंड किसी सब्जेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो सेशन का नंबर ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अकाउंट्स जो है वो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज रन करेगा, केमिस्ट्री जो है वो अगले 10 दिन तक रन करेगा, एंड उसके बाद साइकोलॉजी जो है वो भी अगले 10 दिन तक रन करेगी, ठीक है। सो डेली जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो आप लोगों के लिए अकाउंट्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी का सेशन लेकर आएंगी, 10 दिन में वो उस पूरे डोमेन को वो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड एक बार जब ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, ये सारे सब्जेक्ट्स जब हमारे खत्म हो गए, तो फिर हम कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज से अलग अलग सब्जेक्ट्स को वापस पिक करेंगे। एग्जाम्पल, अब लेट्स से मैंने पिक किया इको को, ठीक है, मैंने कॉमर्स से इकोनॉमी को पिक किया, मैंने साइंस से फिजिक्स को पिक किया, ठीक है, एंड मैंने ह्यूमैनिटी से पॉलिटिकल साइंस को पिक किया, ठीक है, पॉल साइंस को पिक किया। अब फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, अगेन ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, अगले 10 दिनों में हमारी जो फैकल्टीज हैं वो इकोनॉमी को, फिजिक्स को एंड पॉल साइंस को वो खत्म करेंगी डेली आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स लेकर आके, ठीक है। अच्छा, ऑल दीज लेक्चर्स दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर्स, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स, इसी तरीके से ये पूरे लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर जब 10 दिन बाद ये पूरा खत्म हुआ, उसके बाद जो फैकल्टीज हैं वो कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से वो वापस 3 नए सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी, एंड अलग फैकल्टीज उन सारे सब्जेक्ट्स को यहां पर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या, यहाँ पे आपकी इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज प्रिपरेशन है वो तो साथ साथ चल रही है, उसके साथ साथ आप अपना जो डोमेन है, डोमेन की प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ ही चल रही है, ठीक है। तो जो भी आपका डोमेन हो, चाहे वो इको हो, फिजिक्स हो, ह्यूमैनिटीज का कोई भी डोमेन हो, आपका नंबर एक ना एक बार जरूर आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट जो है उसे हम प्रॉपरली फिनिश तो करेंगे, ठीक है, जितना हम अच्छे से यहाँ पे बता सकते हैं उतना तो हम करेंगे करेंगे। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, इट इज जनरल टेस्ट, ठीक है। नाउ जनरल टेस्ट में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, द फर्स्ट वन इज योर जीके, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, द सेकेंड इज योर एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आपका रीजनिंग वाला, एंड द थर्ड वन इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जनरल टेस्ट में क्या होगा कि जैसे 7 डेज है वीक में, तो एक दिन जीके की क्लास होगी, एक दिन एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास होगी, एक दिन क्यूटी की क्लास होगी, मतलब हर हफ्ते में 2 बार, ठीक है, हर हफ्ते में 2 बार आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब जीके की, एनालिटिकल रीजनिंग की और क्यूटी की जो क्लासेस है वो हफ्ते में दो दो बार रिपीट होते चलेगी। तो इस तरीके से हो क्या रहा है, मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। सो हमारी प्रिपरेशन, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। अब मैं जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेट्स से कि माई डोमेन इज, लेट्स से माई डोमेन इज हिस्ट्री, ठीक है, मैंने हिस्ट्री डोमेन को पिक किया है और मैं हिस्ट्री डोमेन को लेके CUET लिखने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है मेरे लिए, यहां पे क्या किया जा रहा है, इस YouTube चैनल पे इंग्लिश की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। सो लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश की प्रिपरेशन होगी, इंग्लिश की हफ्ते में 2 क्लासेस आएंगी, ठीक है, 2 YouTube के वीडियोस आएंगे, आप उन्हें देख, मैं उन्हें देख के मैं अपनी प्रिपरेशन को फर्दर बूस्टअप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर डोमेन टेस्ट में जब भी मेरा हिस्ट्री का नंबर आएगा,
मैं हिस्ट्री वाले पूरे पोर्शन को देख के अपनी सारी चीजें क्लियर कर सकता हूं। एंड द थर्ड वन इज योर जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में हफ्ते में मेरी 2 दिन जीके की क्लासेस, हफ्ते में मेरी 2 दिन एनालिटिकल रीजनिंग की क्लासेस, एंड हफ्ते में मेरी 2 दिन क्यूटी की क्लासेस होंगी। ठीक है, इससे होगा क्या, मेरा ओवरऑल ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये तीनों के तीनों सेक्शंस मेरे यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। सो अभी ये कोशिश है, ठीक है, इसको और अच्छे से लेकर आने के लिए एंड आप लोग के लिए और अच्छी तरीके से चीजों को करने के लिए हमें यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी है। एंड हमें मेहनत करने के लिए यहाँ पे जो थोड़ा सा बल्क है वो कैसे मिलेगा, अगर आप यहाँ पे हमारी थोड़ी मदद करेंगे। ठीक है गाइज, हम इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि आप लोग काफी अच्छी से अपनी प्रिपरेशन करें एंड आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में चले जाएं। आपको बदले में क्या करना है, कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू लाइक द वीडियो, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास चले जाए। ठीक है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, एंड इसी के साथ ही प्लीज कल से आइए, ज्वाइन कीजिए एंड लेट्स हैव अ बेटर एग्जामिनेशन, लेट्स हैव अ बेटर ड्रीम फॉर योर कॉलेजेस। आप अच्छे कॉलेजेस में, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंच पाए, यही हमारा आपके लिए सपना। ठीक है, सो टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल इंग्लिश के साथ एंड डोमेन के साथ एंड अलग अलग जनरल टेस्ट की वीडियोस के साथ। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बाय।